नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के प्रवचन आज खंडवा जिला सत्र न्यायालय परिसर में भी गूंजे। खंडवा में पधारे एक ऐसे संत जो अपने जैन समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज की चिंता करते हैं और सर्व समाज की सुख शांति के लिए अनुष्ठान व प्रार्थना सहित अपने प्रवचनों के माध्यम से सर्वधर्म की प्रभावना रखते हों। ऐसे आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज जो कि खंडवा की धरती को अपनी कर्मभूमि व धर्मभूमि मानते हैं, वह इस खंडवा की धरा पर 8 वर्ष पूर्व भी चातुर्मास करने के उपरांत इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंचे और विक्रम विश्वविद्यालय में परीक्षा देकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और विगत दिनों देश के बड़े तीर्थ पुष्पगिरी में अपने गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज से आचार्य पद की भी उपाधि प्राप्त कर आचार्य बनकर पुनः खंडवा पहुंचे। डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा लगातार शहर में अलग अलग स्थानों पर धर्म प्रभावना की जा रही है। जेल, स्कूल और गौरीकुंज में धर्म प्रभावना के पश्चात शुक्रवार 6 मार्च को वे जिला सत्र न्यायालय परिसर पहुंचे और न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित न्यायालय में मौजूद पक्षकारों को उनके द्वारा अपने प्रवचन के माध्यम से सही और न्याय संगत राह पर चलने के लिए प्रेरणा और सीख दी। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा संत का न्यायालय परिसर में बने बार रूम में स्वागत किया। अधिवक्ताओं द्वारा आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज को सर्वप्रथम श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उसके पश्चात उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवचन देने का अनुरोध किया गया। जिला अधिवक्ता कक्ष में 6 मार्च शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे आचार्य श्री के प्रवचन में आचार्य मुनिश्री को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण दुबे, सचिव रविन्द्र पाथिरकर, अजय पगारे, रंजन जैनी, रजत सोनी, प्रणय गुप्ता ने श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमुखता से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण दुबे व अन्य अधिवक्तागण के साथ न्यायाधीशगण एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ न्यायालय में आए पक्षकार उपस्थित थे। व्यवहार कर सके, इन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, इन बहनों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, जो व्यक्ति रिया में दुखी है उसे सुखी बनाने का एहसास कर सके। आज हम राजा हरिश्चंद्र के साथ वार्तालाप करने का एक मेरा भाव था कि आज जीवन में अच्छा सोचे, न्याय के साथ सोचे, नीति के साथ सोचे। तो आपको न्यायाधीश बनको फिर अन्यायाधीश अन्याय की कमाई और आपके पास न्याय की कमाई है। न्याय के भाव आप लोगों के बीच में है तो जीवन में एक ही भाव आपके मन में हो। जब व्यक्ति किसी का कर्त करता है तो कहते भैया लगा दो 307 धारा, 302। जब कोई व्यक्ति मार दिया जाता है तो 302 लगा देते हैं। इस प्रकार से बलात्कार में 376 लगा देते हैं। इस प्रकार की धाराओं के साथ आप एक अच्छे भाव के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करते हैं। आज यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में न्याय की कुर्सी पर बैठ कर के आप एक अच्छा न्याय कर सकें, क्योंकि जिस माँ ने मुझे पैदा किया था वो भी न्याय की कुर्सी पर कई सालों से बैठी। उनका आशीर्वाद लेकर के आज मैं आपके बीच में संत होकर के आपके बीच में न्याय कर रहा हूँ परमात्मा से साक्षात्कार कराने के लिए। यही भाव के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ कि जीवन में आप परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार करें। जब कोई बहुत बड़ा केस तुम्हारे पास आए उसी समय से अलग अलग प्रकार के वकील होते हैं। संसार के केस सुलझाने वाला वकील अलग हुआ करता है, कंपनी का केस सुलझाने वाला वकील अलग हुआ करता है, इसके बाद प्रॉपर्टी का केस सुलझाने वाला वकील अलग हुआ करता है, क्रिमिनल केस का वकील अलग अलग हुआ करता है। तो सब फैसले आपके अलग अलग तरीके से होते हैं। तो बस यही भावना आपके मन में हमेशा बनी रहे कि मैं जीवन में कुछ अच्छे काम कर सकूं, नेक काम कर सकूं, लोगों के बारे में अच्छा सोच सकूं। और जब कभी किसी केस के लिए जाए वो समय दादाजी का नाम लें, श्री कृष्ण का नाम लें, राम का नाम लें, पैगंबर का नाम लें, जीसस का नाम लें, उनसे यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु बस मैं कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा हूँ। यदि आपने मुझे दिमाग दिया है, यह दिमाग मेरा नहीं, ये दिमाग आपके आशीर्वाद का दिमाग है, मैं कुछ अच्छा काम करके बाहर आ सकूँ। लेकिन याद रखना, जब किसी को न्याय मिलेगा वो
भगवान से ही प्रार्थना करेगा, हे प्रभु जिसने मुझे न्याय दिया है कल यह न्यायाधीश की पद पर पहुंच जाए, न्यायाधीश की पदवी पर पहुंच जाए, ये मेरा। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।